हेलो स्टूडेंट, देखिए जीके में पढ़ेंगे हम चैप्टर 47 माइंड योर वर्ड्स एंड एक्शन। जब कोई भी चीज़ आप करते हैं तो अपने वर्ड्स को माइंड में रखना है और जो भी एक्शन करते हैं उसको भी किस में रखना है, माइंड में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए टिक द करेक्ट एक्शंस, ठीक है। एक्शंस दिए गए हैं तो कब कहाँ पर आपको कैसे एक्शंस करना है उसको टिक करना है। दो ऑप्शन दिए हैं जिसमें एक को आपको टिक करना है। सबसे पहले इफ़ यू आर बोर्डिंग अ बस यू शुड, अगर आप बस पे चढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पुश अदर्स एंड एंटर द बस, वेट फॉर योर टर्न, है ना। आपको एक दूसरे को धक्का दे के बस में एंटर करना है, अपने टर्न का वेट करना है। तो क्या में टिक करोगे आप, वेट फॉर योर टर्न, ठीक है। सेकेंड नंबर, इफ यू हैव फाउंड समबडीज वाटर बॉटल इन द क्लास फॉलन नियर योर डेस्क यू शुड, अगर क्लासरूम में आपके डेस्क के पास किसी का वाटर बॉटल गिरा है तो आपको क्या करना चाहिए, पिक इट अप एंड आस्क हुज इट इज, है ना। उसको उठाओगे और पूछोगे कि ये किसका बॉटल है। उसके बाद थ्री नंबर, इफ़ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप्स बिटवीन योर फ्रेंड एंड यू, अगर कोई भी गलतफहमी आपके और आपके फ्रेंड के बीच में आती है तो ट्राई टू क्लियर इट इन अ पोलाइट मैनर, है ना। उस चीज़ को, जो भी चीज़ हुआ है गलतफहमी, उसको पोलाइट से आपको क्लियर करना है। फोर नंबर, इफ़ योर फ्रेंड गेट्स एंग्री विथ यू यू शुड, अगर आपका फ्रेंड आपसे गुस्सा हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, कंट्रोल योर टेम्पर एंड हैंडल द सिचुएशन, है ना। अपने गुस्से को आपको कंट्रोल करना है और जो सिचुएशन है उसको क्या करना है, हैंडल करना है। अ ट्रू स्पोर्ट्समैन इज द वन हु, है ना, एक ट्रू स्पोर्ट्समैन कौन है, जो रेस्पेक्ट द एफर्ट ऑफ अदर टीम इवन इफ दे हैव लॉस्ट, है ना। अगर वो हार भी गया है, एक ऐसा अच्छा स्पोर्ट्समैन वो है जो अगर हार भी गया है फिर भी दूसरे टीम के कोशिशों को, है ना, वो क्या करता है, रेस्पेक्ट करता है उनका, वो क्या है, एक स्पोर्ट्समैन है। उसके बाद देखिए सिक्स नंबर, इफ़ यू आर गिवेन अ टॉपिक फॉर एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन यू शुड, अगर कोई भी स्कूल में कॉम्पिटिशन होता है और आपको कोई भी टॉपिक दिया गया है तो आपको क्या करना है, गैदर योर आइडियाज़ एंड स्पीक वेल, जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं उनको बोलना है और अच्छे तरीके से उसको बोलना है। उसके बाद सेवन नंबर देखिए, वाइल यूजिंग पब्लिक कॉन्वेंसी यू शुड, है ना, पब्लिक में अगर आप हैं तो आपको क्या करना है, कीप योर हैंड्स एंड फिट क्लोज टू योर सेल्फ, अपने हैंड्स को अपने पास रखोगे और अपने आप को, है ना, क्या करोगे, अपने आप को क्लोज करके आपसे रखोगे। उसके बाद एट नंबर, इफ़ यू आर हैविंग अ मील इन अ रेस्टोरेंट और होटल यू शुड, अगर आप रेस्टोरेंट में या होटल में खाना खा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, डिस्टर्ब अदर्स हु आर हैविंग देयर मील, बिहेव प्रॉपरली, अगर कोई वहाँ पर और खाना खा रहा है उसको डिस्टर्ब करना चाहिए या अपने आप को, अपने बिहेवियर को अच्छे से रखना चाहिए, तो किस में टिक करोगे, बिहेव प्रॉपरली। व्हेन योर टीचर इज आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास यू शुड, अगर आपके टीचर्स आपको क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं देन आपको क्या करना चाहिए, गिगल इन द क्लास, आंसर द क्वेश्चन व्हेन योर टर्न कम्स, है ना, क्लास में आपको चिल्लाना है या फिर आपके आपसे क्वेश्चन पूछे जाने पर आपको आंसर करना है, तो किस में टिक करोगे, आंसर द क्वेश्चन व्हेन योर टर्न कम्स। नेक्स्ट, इफ़ यू चांस टू मीट योर फ्रेंड यू शुड, अगर आपको अपने फ्रेंड से मिलने का चांस मिल रहा है तो आप क्या करोगे, अवॉइड हर और हिम, ग्रीट हर और हिम, एक दूसरे उसको अनदेखा करोगे या फिर उससे मिलने जाओगे, तो आपको क्या करोगे, उससे मिलने जाओगे, तो बी में टिक करोगे, ए जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो ये जो है इसको, वीडियो को अच्छे से वॉच करोगे और अपने बुक में टिक कर लोगे।